वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी ने फौज की क़यादत के खिलाफ कैसे कैसे अलकाबात इस्तेमाल किए, नफरत अमेज ट्रेंड चलवाए गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पिछले 4 महीनों में पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने फौज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक झटका लगा है। कौमी असम्बली में पीटीआई की एक और सीट खाली करार दे दी गई है। स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के एमएनए मोहम्मद मियां सोमरू की नशीत खाली करार दे दी है। इस मौके पर स्पीकर का कहना था कि मौजूद रुकन ने दरख्वास्त बर वक्त नहीं बल्कि वक्त गुजरने के बाद दी। स्पीकर ने मामला तहरीक की सूरत में ईवान में पेश किया जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहम दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम के बाद पाकिस्तान के 2 बॉक्सर की बॉक्सिंग फेडरेशन की तलाश जारी है। सलमान कोच और नज़ीरुल्लाह इंग्लैंड में लापता हो गए हैं। सलमान बलोच ने कॉमनवेल्थ गेम्स की 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शिरकत की थी। नज़ीरुल्लाह ने लाइट वेट में हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स ने पाकिस्तान की 5 रुकनी बॉक्सिंग टीम में शिरकत की थी।